नरगिस फाकरी की नजर है दीपिका पादुकोण की एक फिल्म पर। You know what? I saw Dostana 1 and I thought it was a wonderful movie, very, very funny, and they are hilarious, and it would be a dream to work with both of them. Film Dostana 2 के लिए दीपिका पादुकोण का नाम लगभग final कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी official announcement होनी बाकी है। ऐसे में एक इवेंट पर जब नरगिस फाकरी से पूछा गया क्या वो जॉन और अभिषेक की हीरोइन बनना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। You know what, I saw Dostana 1 and I thought it was a wonderful movie, very, very funny, and they are hilarious, and it would be a dream to work with both of them. साथ ही नरगिस जॉन और अभिषेक की कंपनी खूब एंजॉय करती है, तभी तो बार बार वो अभिषेक और जॉन की तारीफ कर रही थी। Oh, yeah, John and Abhishek are two very, very funny individuals, so if you get a chance to be around them, it's always a treat, and you always have a good laugh. वैसे जब हमने नरगिस की फिल्म दोस्ताना 2 में काम करने की ख्वाहिश जॉन और अभिषेक को बताई तो इन दोनों स्टार्स ने नरगिस को करण जौहर से मिलने की सलाह दे दी। वो हम उनसे कहिए कि ये खार में धर्मा का जो है ऑफिस है, वहाँ जाके करण जौहर जी या तरुण मंसूकानी जी से मिल लें, क्योंकि हमारी तो वहाँ चलती है नहीं। हम लोग बैठे हैं ताक में कि पिक्चर कब शुरू होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ देखिए दोस्ताना की बात है, कौन फिल्म में हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम दोनों हैं ये काफी हम दोनों के। वैसे हमने अभिषेक और जॉन से जानने की जरूर कोशिश की आखिर किस एक्ट्रेस को फिल्म दोस्ताना 2 के लिए फाइनल किया जा सकता है। जी तैयारियां बस यही है कि हम दोनों तैयार हैं बस। अभी कौन इस फिल्म में है, कब शुरू होने वाली है, कब रिलीज होगी, वो तो हमें पता नहीं है। हमें ये सुनने में आया कि तरुण मंसूकानी जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, बस हमारी जानकारी यहाँ तक है। Well, John और अभिषेक अभी भी एक्ट्रेस के नाम को अंडर रैप्स रखना चाहते हैं। We hope करण जौहर खुद ऑफिशियली इस न्यूज को अनाउंस करे। For चेतना सिंह, Zoom, Mumbai।